वन निगम में बगैर परिवहन विभाग की अनुमति के चल रहे मॉडिफाई करे वाहन, मजदूरों के पेट पर मारी जा रही लात। लालकुआ के समस्त वन निकास निगम डिपो में वाहनों के मॉडिफाई करके पंजे के रूप में लकड़ी लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्यों में लगाए जाने से सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस और अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इधर जब मामला मीडिया में प्रकाशित होने लगा तो परिवहन विभाग भी सक्रिय होता दिख रहा है। बताते चलें कि लालकुआ के समस्त वन विकास निगम के डिपो में सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए वन विकास निगम के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिलीभगत से वाहनों को मॉडिफाई करके अनलोडिंग व लोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं इससे संबंधित विभाग भी इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठा हुआ है। वहीं वाहनों के चलने से डिपो में मजदूरी करने वाले सैकड़ों मजदूरों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा लालकुआ में पूरी तरह से मनमानी की जा रही है और जो लट्ठा मजदूर हैं उनको उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा जो निर्धारित ग्रेडिंग के रेट हैं वो नहीं मिल रहे हैं, बजाय इसके कि उनको ग्रेडिंग के रेट दिए जाते, हम देख रहे हैं कि लालकुआ में अवैध तरीके से हैंड्रा मशीनें या पंजा मशीनें चलाई जा रही हैं। ये पूरी की पूरी तरह ये बताता है कि पूरी कार्यप्रणाली जो है लालकुआ के उत्तराखंड वन विकास निगम की पूरा प्रश्न चिन्ह में है, घेरे में है। और हमें मांग करना चाहते हैं कि लट्ठा मजदूरों को निर्धारित ग्रेडिंग के रेट दिए जाएं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, उनका हेल्थ बीमा किया जाए, दुर्घटना बीमा किया जाए और साथ ही कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो अवैध तरीके से हैंड्रा मशीनें चलाई जा रही हैं उनको तत्काल बंद किया जाए, इस मांग को हम करना चाहते हैं। तो हुआ है मुझे कि परिवहन वन विकास निगम में कुछ गाड़ियां इस तरह की चल रही हैं जिनको पंजे के रूप में मॉडिफाई करके क्रेन सर्विस की तरह ना वो गाड़ियां उठा के पिकअप करती हैं, गाड़ियों में लकड़ियां रखती हैं। तो अगर वो उन्होंने आरसी में इसको पास करवाया है, इस तरह का जो अल्टरनेशन करवाया है तो इसको अगर करवा रखा है तब तो सही है, वरना वो अगेंस्ट द आरसी कंडीशन है, उसमें इन गाड़ियों को सीज किया जा सकता है और इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर्सनली अगर मतलब मेरी नज़र में कोई ऐसी गाड़ी अगर आती है तो उसको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।